हेलो एंड एवरीवन, ये हमारा वेब डेवलपमेंट से रिलेट सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें हम आज इमेजेस और लिंक्स डील करेंगे। तो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो विंडोज़ ओपन की हैं। लेफ्ट साइड में हमारी कल की वर्किंग है और राइट हैंड साइड में उसके कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग है। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ रिमूव और रिफ्रेश। पहले हम देखते हैं इमेज टैग को कि हम किस तरह से इमेज यूज़ करते हैं। तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा माय पेट, क्योंकि हमने इमेजेस इंसर्ट करने हैं तो इसलिए हम यहाँ पे उस हिसाब से हेडिंग देंगे। यहाँ से हम गूगल पे जाके कोई इमेजेस यहाँ पे चूज करते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। आपने करना है सेव इमेज एज, और आपको याद होगा डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था वेब डेवलपमेंट कल, और वहाँ पे जाके हम यहाँ पे फाइल का नेम रखते हैं कैट। और देखिए यहाँ पे जब आप लिखेंगे सेव एज टाइप तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये चीज़ क्या है, डॉट जे पी ई जी, ये उसकी एक्सटेंशन है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डॉट जे पी जी लिखा हुआ है। डॉट जे पी ई जी यूज़ कर लें या डॉट जे पी जी यूज़ कर लें, एक ही बात है। तो अब आप यहाँ पे आएंगे नोट पैड प्लस प्लस में और यहाँ पे इमेज इंसर्ट करेंगे। इमेज इंसर्ट करने का टैग बहुत ही सिंपल है एंड दैट इज़ आई एम जी। आई एम जी स्टैंड फॉर इमेज, एस आर सी एस आर सी स्टैंड फॉर सोर्स, इमेज सोर्स इज इक्वल। अब वो इमेज कहाँ पे है, वो इमेज वेब डेवलपमेंट का जो फोल्डर है, अब इंडेक्स भी इसी में पड़ा है, तो उसी में देखिए आपने कैट को रखा हुआ है, कैट डॉट जे पी जी। तो इसका बेस्ट हल ये है कि आप इमेजेस का एक अलहदा फोल्डर बनाएं और इसे आप उस इमेजेस में रखें। तो देखें इमेजेस एक फोल्डर है जिसमें कैट नाम का एक इमेज है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, इमेजेस स्लैश स्लैश का मतलब इमेजेस ओपन करें, इमेजेस के बाद क्या चीज़ है, कैट डॉट जे पी ई जी लिख दें या जे पी जी लिख दें, समटाइम दोनों में से एक ही कोड काम कर जाता है। फिर आप इमेज टैग को बंद करेंगे। तो इसे सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रन करते हैं, तो ये आपकी इमेज शो हो जाएगी जो कि बहुत बड़ी साइज़ में है। तो हम इस साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जस्ट जहाँ पे ये डबल कोटेशन के अंदर डाटा लिखा होगा वहाँ पे जाके आप लिखेंगे विड्थ इज़ इक्वल, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 200 px, px स्टैंड फॉर पिक्सल, और हाइट हम इसकी रख देते हैं लेट्स सपोज 180 px। सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये इमेज आपको थोड़ी छोटी नज़र आएगी, तो विड्थ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो ये कुछ रीजनेबल है साइज। तो इस तरह से आप HTML में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं सिर्फ SRC कोड यूज करके। इमेज इंसर्ट करने का एक दूसरा मेथड भी है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनानी है और इमेज स्टोर करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट वहीं पर जाएँ यानी कि गूगल में इमेज पे राइट क्लिक करें और वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कॉपी इमेज एड्रेस, इसे कॉपी कर लें और नोटपैड प्लस प्लस में जहाँ पे आपने इमेज सोर्स ये वाली जो चीज़ लिखी थी डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी प्रेस करें यानी कि ये सारा डाटा पेस्ट हो जाएगा। तो इसे सेव करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, तो देखें अभी भी आपकी आउटपुट वही है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस शो करवा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपकी इमेजेस किस्म ब्रोकन फॉर्म में शो होगी। देखिए अगर आपके वेब पेज में इमेज आपकी ब्रोकन फॉर्म में शो हो इस तरह से, ये देखिए ब्रोकन इमेज शो हो, तो इसके दो पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि आपने इमेज सोर्स के अंदर उसका उसकी डायरेक्ट्री मेंशन नहीं की, यानी कि वो इमेज कहाँ पे है, किसी फोल्डर में है या वो आपने गूगल से इमेज कॉपी किया हुआ है, आपने उसका सोर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया, या तो ये रीज़न हो सकती है, या फिर दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपने जिस फोल्डर में इमेज मेंशन की है उस फोल्डर में या तो वो इमेज नहीं है या फिर उसका नेम चेंज है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और मैं इसका नेम रख देता हूँ लेट्स सपोज कैट, मैं डबल टी लिख देता हूँ लेट्स सपोज,
और इसको मैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट था इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब इमेजेस में कौन सी फाइल पड़ी है, सी ए डबल टी, और यहाँ पे क्या लिखा है, सी ए टी, यहाँ पे डबल टी है, यहाँ पे डबल टी है, जबकि यहाँ पे सिंगल टी है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अभी भी आपका इमेज ब्रोकन फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि फाइल का नेम सेम नहीं है। अगर मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ कट, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो फिर भी ये मुझे ब्रोकन देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमेज मौजूद नहीं है। तो मैं इसका अनडू कर देता हूँ कंट्रोल जी से। तो अब देखें कि कोडिंग में हमने लिखा था इमेजेस में कैट नाम की फाइल है, तो वाकई ही ऐसा है कि इमेजेस में कैट नाम की फाइल है। इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपका इमेज शो हो जाएगा। तो इस तरह से पॉसिबल दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ब्रोकन इमेज कब आता है। और तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने डॉट के बाद एक्सटेंशन गलत लिखी है, आप जेपीजी की बजाय पीएनजी लिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी आपको ये ब्रोकन इमेज शो करेगा। तो इमेज के दुरुस्त होने की निशानी ये है, कंडीशन ये है कि फोल्डर में वही फाइल होनी चाहिए और वही एक्सटेंशन होनी चाहिए, बस इसकी दो ही कंडीशन हैं। तो अब हाइट और विड्थ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में जाके हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसके अराउंड बॉर्डर लगा सकते हैं, और किस तरह से ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इमेज है हम इसको किस तरह से सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे टैग की तरफ, और जो हमारा आज का लास्ट टैग है वो है लिंक का टैग। लिंक का आपने देखा होगा कि आप जब कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट किस्म के लिंक्स नज़र आते हैं, जैसे लिखा होता है ना क्लिक हेयर टू साइन अप। आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो न्यू पेज ओपन होता है और वहाँ पे आप अपनी आईडी बना सकते हैं। या लिखा होता है कि क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप गूगल पे चले जाते हैं। या लिखा होता है क्लिक हेयर टू गो टू होम, आप उस पर क्लिक करते हैं तो अगर आप पेज के बॉटम पे हो तो आप बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक की मदद से की जाती हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं गूगल का लिंक। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे थोड़ा एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, और उस पैराग्राफ में हम लिखते हैं क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। तो ये मैंने लिख दिया क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए जब हम इसके ऊपर माउस रखते हैं तो ये ब्लू कलर में शो नहीं हो रहा, ना अंडरलाइन शो हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये गूगल भी ओपन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ सिंपल पैराग्राफ। तो हम इसको बनाना चाहते हैं लिंक की फॉर्म में, तो पहले लिंक का टैग देख लें फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो लिंक का टैग है ए एच रेफ। ए एच रेफ का मतलब है, ए स्टैंड फॉर एंकर टैग, एच रेफ का मतलब हाइपर रेफरेंस लिंक, हाइपर रेफरेंस। तो इक्वल के बाद डबल कोटेशन लिखेंगे, डबल कोटेशन में हम गूगल का लिंक लिखेंगे। तो गूगल का लिंक लिखने के लिए आप जस्ट गूगल पे जाएं और आपको ये यूआरएल बार नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करके कॉपी कर लें, या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, और नोट पैड में जाके आप डबल कोटेशन के अंदर इसको पेस्ट कर दें, और इसके फौरन बाद टैग को बंद कर दें। देखिए अगर आप ये एंकर टैग बंद होने से पहले कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ भी चीज़ शो नहीं होगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे गूगल लिखा हुआ नज़र आएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पेज हमारा गूगल पे चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे आ जाए, तो आप क्या करें, जस्ट इस सारे को यहाँ पे कट कर दें और इस गूगल को रिमूव करके यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। क्लिक हेयर टू गो, गो के बाद आपका लिंक है और लिंक के बाद आपका टेक्स्ट गूगल है। तो क्या होगा कि जब आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो वो फॉलो करेगा इस लिंक को। तो मैं इसे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल लिंक ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट किस्म के लिंक्स ऐड कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक, और यहाँ पे मुझे फेसबुक का लिंक देना होगा। इसे रिमूव कर दें, तो फेसबुक पेज का यहाँ पे आप लिंक कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो रिफ्रेश करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फेसबुक में ले चलेगा। अब चूंकि मैं साइन इन हुआ हूँ फेसबुक में तो इसलिए मेरा पेज ओपन होगा, लेकिन अगर मैं साइन इन नहीं हुआ होगा तो फिर वो आपको वही वाला फॉर्म शो करेगा जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के लिंक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो
आपने गौर किया होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो गूगल है वो इसी पेज में ओपन हो रहा है, तो मेरा जो मेरा वेब पेज है वो तो गायब हो गया, फिर मुझे बैक जाना पड़ेगा। तो सोचिए, अगर ये तो दो लिंक हैं, अगर इसमें 10 लिंक्स हों या 100 लिंक हो या 1000 लिंक हो, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारा मेरा पेज वेस्ट हो जाएगा और फलां साइट ओपन हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारा पेज वैसे का वैसे रहे, और जब हम इस पर क्लिक करें तो वो न्यू पेज में फाइल ओपन हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब कि आप जहाँ पे ये एंकर टैग बंद हो रहा है, यानी कि AHRF डबल कोटेशन के बाद और ये ब्रैकेट से पहले आप लिखेंगे टारगेट इक्वल्स। आप चाहते हैं कि वो पेज आपका न्यू टैब में ओपन हो, तो आप यहाँ पे जस्ट लिखेंगे ब्लैंक। इसको सेव किया और देखिए मैंने ये ब्लैंक कहाँ पे ऐड किया, गूगल पे। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो गूगल अब न्यू टैब में ओपन होगा, पहले वाले टैब में ओपन नहीं होगा। इसी तरह से इसको यहाँ पे कॉपी कर लें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, सेव करें, रन करें, रिफ्रेश करें। फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो वो न्यू टैब में फेसबुक ओपन करेगा और हमारा पहले वाला पेज वैसे का वैसे ही रहेगा। और आज की हमारी आखिरी चीज़ कि हम किस तरह से एक पिक को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपने सोचना है ज़रा, ये आपकी कहने के असाइनमेंट है। अब आपने सबमिट नहीं करवानी, जैसे मैंने बताया था कि हर थर्सडे को आपको असाइनमेंट दी जाएगी और फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन आपके लिए होंगे और मंडे दोपहर 12 बजे तक आपको सबमिट करवानी होगी। तो आपने ये सोचना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये चीज़ ओपन होगी, आपने ये कोशिश करनी है और सर्च आउट करना है कि किस तरह से ऐसा पॉसिबल है कि हम इमेज पे क्लिक करें तो वो हमें, लेट्स सपोज मैं इस कैट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कैट नाम कैट की वेबसाइट पे ले जाता है। अगर यहाँ पे मैं एक डॉग का इमेज इंसर्ट करता हूँ, जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो न्यू टैब में डॉग्स की वेबसाइट ओपन होगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई फ्रूट यानी एप्पल, फॉर एग्जांपल एप्पल का इमेज लिखता हूँ, सेब का, तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एप्पल्स की वेबसाइट मिल जाए। तो ये आपने सोचना है, तो प्रैक्टिस जारी रखें। अगर आपको कहीं पे किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, और आप मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और तीसरी चॉइस है कि आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं ताकि बाकी सब लोगों की भी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।